ओके फ्रेंड्स, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया को इंग्लिश में ज्वाइंटिस भी कहते हैं। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, इससे कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पीलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। पीलिया से हमारे जो शरीर का जो भाग है लीवर, वो है डैमेज हो जाता है। हमारे शरीर में जो लीवर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये भोजन को जो पचाने में हेल्प करता है। तो वायरस इफेक्ट से ये जो भोजन को पचाने वाला जो जूस स्त्रवित करता है, जो रस निकालता है, उसे स्त्रवित नहीं कर पाता है, जिसके कारण लीवर में सूजन आ जाती है और बहुत सारी बीमारियां और भी आ जाती है। क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाते, तो जिसके कारण बहुत सारी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। पीलिया से जो हमारे शरीर में जो रंग होता है वो पीला पड़ जाता है, आँखें पीली पड़ जाती है, और जो पेशाब होता है, मूत्र होता है, वो पीला पड़ जाता है। तो ये इसका बाहर का जो लक्षण है उसको देख के पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति को पीलिया हुआ है। ये जो रोग है वो मुख्यतः गंदगी के कारण फैलता है, और मक्खी जो है इस वायरस को फैलाती है। मक्खी जो सामान्यता होती है खाने पीने के सामान पर बैठ जाती है और इस वायरस को वहाँ पर छोड़ देती है, और जब हम उस चीज़ों को खाते हैं तो उससे पीलिया हो जाता है। तो पीलिया में हमें बहुत परहेज की भी ज़रूरत पड़ती है, और हमें तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और बाहर का जितने भी सामान होता है वो सब अवॉइड करना चाहिए खाने पीने से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांस क्या होता है? तो बांस क्या होता है? बांस एक प्रकार का घास होता है। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बांस एक पेड़ होता है, पौधा होता है, झाड़ी होता है, या घास होता है। तो ये एक प्रकार का घास होता है जिसे हम ग्रास कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल पर्णहरित जिसे कहते हैं, उसमें उपस्थित धातु कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या होती है। क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं, जो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और क्लोरोफिल नामक जो वर्णक है, जो पिगमेंट है, वो पौधों में होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्लोरोफिल पौधों में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल में जो उपस्थित जो धातु है, वो मेन जो धातु है वो है मैग्नीशियम। इसके अलावा उसमें और भी धातु होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्लोरोफिल में, वो है मैग्नीशियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दालचीनी, जिसे हम सिनेमन स्टिक कहते हैं, वो पेड़ के छाल से लिया जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, और इसे हम मसाले के रूप में भी उपयोग करते हैं, और बहुत सारे इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करता है? तो जो पौधा है वो नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट्स के रूप में करता है। पौधा नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए जो नाइट्रोजन का एक और फॉर्म होता है नाइट्रेट्स, उसके रूप में ये उसे नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? तो BCG का पूरा नाम है बेसिलस कॉलमेट गुरिन। तो इसका टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? तो इसका आंसर है TB। TB इसका पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम टू, जिसके कारण ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो सीधे हमारे लंग्स पर असर डालती है। ये जो टीबी है एक गंभीर बीमारी है, जो कि हवा, पानी और एक दूसरे का जूठा खाने से, या जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो एक दूसरे के संपर्क में आने से भी ये फैल जाता है। और ये जो टीका है BCG, वो 5 साल के अंदर बच्चों को और बच्चों के जन्म लेने के 2 सप्ताह के अंदर किसी भी टाइम इसको लगा सकते हैं, ये जो BCG का टीका है उसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो इसमें हमारा आंसर है वायरस विषाणु द्वारा, जो कि वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस। और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
इम्यूनो डिफिशियंसी, जिसमें जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ही वीक हो जाता है। फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जब भी हम पर कोई वायरस या कोई जीवाणु अटैक करता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, और इन चीज़ों को वो जो वायरस और जो बैक्टीरिया है उनको अटैक करने नहीं देता, और बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करता है। लेकिन जो एड्स की बीमारी है, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसके कारण हमें कोई भी बीमारी लगातार होती रहती है। अगर कोई भी बैक्टीरिया आया तो हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तो होते ही रहता है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि कुछ भी आया, अटैक किया, और हमें बीमारी तो लगी ही रहेगी। ऐसा हो जाता है एड्स में, क्योंकि जो HIV वायरस है वो सीधे ब्लड में अटैक करते हैं, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। और एड्स के 3 रीजंस होते हैं, जो कि आपको पता ही होगा, असुरक्षित यौन संबंध से, या जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसके रक्त के आदान प्रदान से, और तीसरा जो कारण है वो है माँ से शिशु में संक्रमण से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरिकल्चर किसका विज्ञान है? तो फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों की खेती से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, कल्चर मतलब संवर्धन, तो ये फूलों की खेती से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह रोग जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब जो शरीर के बाहर जो रक्त निकलता है किसी भी चोट या दुर्घटना के वक्त, तो वो जमता नहीं है, लगातार बहते ही रहता है, तो वो कौन सा रोग है? तो वो रोग है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब रक्त जो है वो जमता नहीं है। थक्का मीन्स क्लॉटिंग, तो वो होती नहीं है, तो वो रोग है हीमोफीलिया। ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है, और हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। माता पिता से बच्चों में ये हो सकती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जैसे ही हमें कोई दुर्घटना या चोट अगर लग गई और ब्लड लगातार बह रहा है, तो इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो ब्लड में हमारा थैम्ब्रोप्लास्टिन नामक जो प्रोटीन है उसकी कमी हो जाती है, तो ये रोग हो जाता है हीमोफीलिया। पेशेंट को इस बीमारी में बार बार ब्लड नियमित रूप से दिया जाता है, तो ये है हीमोफीलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की जो वस्तु है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होती है। जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें बुक पास में तो होता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता, बहुत क्लियर हम उसे देख नहीं सकते, तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसके लिए हम जो लेंस का प्रयोग करते हैं वो है उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उसी प्रकार एक निकट दृष्टि दोष भी होता है, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, और दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो ये है, और निकट दृष्टि दोष में हम प्रयोग करते हैं कॉनकेव लेंस का, यानी अवतल लेंस का। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने हमारे वीडियो से एक छोटी सी भी चीज़ सीखी हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।